सिरसा में ब्लॉक स्तरीय अंत्योदय मेले के दूसरे चरण का बुधवार को शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत नगर परिषद द्वारा सिरसा के लाभार्थियों के लिए ब्लॉक स्तरीय मेले का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित इस मेले में गरीब परिवारों के आय 1,80,000 तक पहुँचाना लक्ष्य रखा गया है। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाए गए और गरीब परिवारों के लोगों को इसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस मेले में गरीब अनमूल्य योजना के तहत यह लक्ष्य रखा गया है कि हर गरीब परिवार को इसका लाभ मिल सके। अंत्योदय मेला हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें हमारे ज़िले के जो गरीब व्यक्ति है, और आज पर्टिकुलर चूँकि सिरसा म्यूनसिपलिटी ने आज यहाँ पे अंत्योदय मेला किया है, तो सिरसा म्यूनसिपल एरिया में जो गरीब व्यक्ति है, नीडी लोग हैं, उनके लिए हमने मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आज मौजूद है, और जिन्होंने अपनी पर्टिकुलर जो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है वेलफेयर के लिए, उनके लिए स्टॉल लगा रखे हैं। अभी तक टोटल करीब 121 लोग यहाँ पर आ चुके हैं और संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। उन सभी को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इन जो पर्टिकुलर स्कीम्स चल रही है और जिनके लिए वो एलिजिबल हो सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही बता रहे हैं। तो उन चीज़ों का कर रहे हैं, हमने यहाँ पे प्रोविज़न किए हैं। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर स्कैनर सारे लगा रखे हैं, किसी को फोटो स्टेट है तो वो भी कर सकते हैं, और आज के आज में हम उनके जितने भी डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं आज ही ले लेंगे, उनको दोबारा ऑफिस में किसी डॉक्यूमेंट को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जो संबंधित विभाग है, जिस भी पर्टिकुलर विभाग की स्कीम है, वो उसको आगे प्रोसेस करेगा और एलिजिबिलिटी के हिसाब से उसको बेनिफिट देगा। तो इसके काफ़ी अच्छे परिणाम थे, पहले जो हमने राउंड का मेला किया था उसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम आए थे, और इस राउंड के भी काफ़ी अच्छे परिणाम हमारे सामने आएंगे। डिफरेंट स्कीम्स है, हर एक स्कीम्स की पात्रता अलग होती है, बट इन जनरल 60+ के बाद में तो कोई है नहीं, ठीक है, जो क्योंकि मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स है, और 60+ में गवर्नमेंट की तरफ से बुढ़ापा पेंशन चलती है, जो कि ऑलरेडी एक वेलफेयर स्कीम्स है, जो हमारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की है मोस्टली 60 ईयर ऑफ एज तक है। महिलाओं के लिए महिला विकास निगम की तरफ से भी यहाँ पे स्टॉल लगाया गया है, जिससे महिला विकास निगम की तरफ से ये है कि जो भी हमारी महिलाएं हैं उनको कोई अगर अपना छोटा मोटा इंडस्ट्री जो लघु उद्योग है वो चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार की तरफ से सहायता मिलती है। काफ़ी अच्छी स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन रहता है, बैंकों के थ्रू दी जाती है, और उसमें कोई भी छोटा जो अपनी आगे दुकान करनी है या फिर सिलाई सेंटर खोलना है, उसके लिए जो है ना ऋण भी प्रोवाइड किया जाता है, कंसेशन भी कुछ प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका फ़ायदा भी डेफिनेटली उठा सकती है। और जैसे ये है कि महिलाएं कोई पुरुषों से कम नहीं है, तो बाकी डिपार्टमेंट की भी जो योजनाएँ, चाहे बागवानी हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, उसमें भी वो स्कीम का फ़ायदा उठा सकती है।